विधानसभा चुनाव आने के साथ ही झारखंड में एक मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने भाजपा के आरोपों को नकारते हुए कहा कि बॉर्डर एरिया में सेंट्रल फोर्स की तैनाती होती है, भाजपा की केंद्र सरकार है, जवाब दे आखिर क्यों घुसपैठ का मुद्दा सामने आ रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तभी सारे बांग्लादेशी घुसपैठी भारत आए। वहीं झारखंड सरकार में अहम दल झामुमो से तमाम विधायक विकास सिंह मुंडा ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि भाजपा को सबसे पहले अपने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से प्रश्न करना चाहिए कि घुसपैठ अगर हुई तो सीमा की सुरक्षा की जवाबदेही केंद्र सरकार की होती है। झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक मुद्दा उठा रही है जो लगातार चर्चा का विषय बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ की। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा उठाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर जब हमने बातचीत करने की कोशिश की कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से तो उनका बयान साफ तौर पर सामने आया। उनका कहना है कि सेंट्रल फोर्स का इसमें तालुकात रहना चाहिए, बीजेपी को सेंट्रल फोर्स से पूछना चाहिए, बीजेपी के केंद्रीय सरकार से पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं इस मुद्दे पर। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी ने भी घेरते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस और जेएमएम मुद्दे को भटका रही है। स्टेट सरकार का भी दायित्व बनता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा को किस तरह से रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर जेएमएम से विधायक विकास सिंह मुंडा का भी बयान सामने आया है। उनका बयान सामने आया है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज को बरगराने का काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित कैसे हो जाए आदिवासी समाज और झारखंड की जनता, इसलिए यह सब मुद्दे को उठाने का कार्य हो रही है। अब आगे देखना है कि क्या यह मुद्दे को लेकर लगातार झारखंड की राजनीति में जो गर्माहट देखने को मिलती है वो विधानसभा चुनाव तक किस प्रकार से आगे जारी रहेगी। रफ्तार मीडिया से विशेष संवाददाता सौरभ राय की रिपोर्ट। झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा आने वाले लोग हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं वो 10 साल से ज्यादा भारत सरकार में हुकूमत में है, फॉरेन अफेयर्स उनके पास में है, होम मिनिस्ट्री उनके पास में है, डिफेंस उनके पास में है। इसका मतलब उस सेंट्रल की सरकार ने जो चीज़ें उनके अधीन हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, जो पड़ोसी के साथ हमारे बॉर्डर्स हैं, उनकी रखरखाव कोई झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो ऐसे इरेस्पॉन्सिबल लोगों को एक सवाल पूछो कि अगर आपके कैमरे में, अगर आपके रिपोर्ट में कोई चीज़ आए, 10 साल का एक FIR दिखाओ, एक FIR दिखाए, और अगर FIR भी हो तो आपकी एक्शन क्या है उस पर। वो तो सेंट्रल सब्जेक्ट है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जा रहा है। ये सवाल तो हम उठाने जा रहे हैं कि वो फिर पर्दादारी कर रहे हैं, वो चोरियां छुपा रहे हैं, सिर्फ चुनाव के लिए बातें मार्केट में फेंक रहे हैं। ये उनको पता ही नहीं आज तक जो हम सवाल उठा रहे हैं ये बैकफायर हो रहा है उनको, इतने अकलमंद लोग हैं। तो झारखंड के लोग इतने समझदार हैं और जिस तरह से वो झारखंड को अपमान कर रहे हैं, झारखंड की बेटियों को जिस तरह से एक नाम से दूसरे नाम से अपमान कर रहे हैं, झारखंड की बेटियां उनको आने वाले चुनाव में जवाब देंगे। एक जवाब दे चुके हैं, उसी को बढ़ाना चाहिए। भाई अब कांग्रेस नेताओं के बयान से स्पष्टीकरण से तो बेशर्मी भी शर्मा जाए एक बार, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं 1951 से 2011 के बीच के उपलब्ध हैं, जिस समय सर्वे हुआ था उसके बाद तो जनगणना हुई भी नहीं। तो ये जो सर्वे में 85% समय कांग्रेस की सरकारें थी 2011 तक, बीजेपी की सरकार तो एक ही टर्म दो टर्म रही थी और जो संयुक्त गठबंधन थी उसकी सरकार भी 2-2.5 वर्ष रही थी, तो बाकी समय 60 वर्ष तक तो कांग्रेस का शासनकाल था। कैसे इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने घुसपैठ करने दिया, क्योंकि इसी कांग्रेस के केंद्रीय सरकार के जिम्मे BSF और केंद्रीय जो सीमाएँ थी उसकी सुरक्षा थी। तो ये घुसपैठ तो कांग्रेस ने कराया है और इस सरकार में तो जो बांग्लादेशी घुसपैठी है ऐसा लगता है उनको जमाई का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी उनको चिन्हित करने का काम आगे नहीं बढ़ रहा। सबसे पहले भाजपा जिस प्रश्न को उठा रही है, सबसे पहले तो उनके अपने गृह मंत्री और
भारत के रक्षा मंत्री से प्रश्न करना चाहिए कि अगर घुसपैठ अगर हुई है तो सीमा की सुरक्षा की जवाबदेही और जिम्मेवारी तो भारत सरकार की है। प्रश्न हमें कर रहे हैं, सबसे पहले प्रश्न तो उन्हें करना चाहिए। और इस संबंध में भारत सरकार को मुझे लगता है कि इस संबंध में एक डेटा देना चाहिए कि भाई अगर घुसपैठ हुई तो संख्या कितनी है, क्योंकि देश की सीमा की सुरक्षा भारत सरकार के पास में है, वो तो राज्य सरकार नहीं करती है। अब इनके दावे किस तरीके से है, ना सर है ना पैर है, कुछ भी बोल के निकल जाना है, अगर बात बोलना ही राजनीति है तो फिर इसका भगवान मालिक है।